विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। विषय हिंदी धोरण 8 में गया लेक्चर में आपणे पांचमो पाठ सीखी गया। हवे आजे आपणे छठा पाठ भरत विषे जाणीशुं। आज हम देखेंगे इकाई 6, जिसका नाम है भरत। उसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। ये एकाकी प्रकार है। अब हम राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में देखेंगे। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। 1926 में आगरा में जन्मेला राजा लक्ष्मण सिंह, एले एमनो जन्म आगरा में थयो हतो। ए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला अने अरबी ए भाषा सारी रीते जानता हता। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। एमनी अनेक पुस्तकों अंग्रेजी अने हिंदी में अनुवाद थयो छे। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदासना अभिज्ञान शाकुंतलम अने मेघदूत अने रघुवंश ए हिंदी अनुवाद पर एमणे पुरस्कार पण मळ्यो हतो। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कालिदास द्वारा लखायेलू मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नु हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंहे कर्यो हतो। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। आज ये नाटक छे भरत एज नाटकनो एक अंश छे। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। ऋषि कण्वनो आश्रम बतावियो छे आ नाटक में। ए कण्व ऋषिना आश्रम में शकुंतलानो पुत्र भरत सिंह शावक एटले के ए सिंहनू बच्चू, तो ए सिंहना बच्चानी साथे रमी रह्यो हतो। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। आश्रम में रहवावाड़ी बे तपस्विनी बाड़क ने रोकवानो प्रयत्न करी रही छे। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। राजा दुष्यंत छुपाई ने संताई ने आ सुंदर दृश्यनो आनंद लई रहा छे। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। बालकना प्रति थोड़ा आकर्षण थी ए रोमांचित छे। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। एमनाथी रहवायू नहीं अने ते बालकनी पासे पहुंची गया। उसे गोद में उठाकर प्यार किया, एने खोड़ा में बैसाड़ी ने प्रेम कर्यो। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। एवं विचारवा लाग्या के आ बालक मारो पुत्र होत तो। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। बन्ने तपस्विनियों ने बातचीत थी एमने खबर पड़ी के आ बालक ए एमनो पोतानो ज पुत्र छे। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे अने आ जाणीने ए खुशी थी झूमी उठ्या। ये नाटक है तो इसमें पात्र आएंगे। जो बालक है उसका नाम भरत है। जो दो तपस्विनियाँ हैं, पहली और दूसरी, और राजा जो है वो दुष्यंत राजा है। इसका दृश्य आता है। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। एक बालक सिंहना बच्चा ने अंदर थी खेची ने लावे छे अने बन्ने तपस्विनी एने रोकवे छे। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। राजा दुष्यंत झाड़नी पाछड़ थी एने जोई रहा छे। बालक कहता है, अरे सिंह तू अपना मुख खोल,
मैं तेरे दांत गिनूंगा। बाळक कहे छे, अरे सिंह तू तारू मोढू खोल, हूँ तारा दांत गणीश। पहली तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक। पहली तपस्विनी कहे छे, हे जिद्दी बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? तू वनना आ पशुओं ने केम सतावे छे? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। अमे तो आ पशुओं ने अमारा पोताना बाळकनी जेम साचवीए छीए, एना समान राखीए छीए। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, तारू साहस वधतुं ज जाय छे। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, ठीक ही है। तारू नाम ऋषियों सर्वदमन राख्यू छे, सर्वदमन एटले बधानू सर्वनू दमन करवा वाला। तो ये सर्वदमन राख्यू छे ते बराबर ज छे। दुष्यंत कहता है, उनकी बातें सुनकर स्वयं से। दुष्यंत कहे छे, ए लोकोनी वातो सांभळीने पोते एटले के स्वगत। अहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है? एवं कयू कारण छे के मारो प्रेम आ बालक माटे उमटी आवे छे? दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बीजी तपस्विनी कहे छे, जो तू आ बच्चा ने छोड़ी नहीं दऊ तो एनी माँ एले के सिंहण तारी पाछड़ दौड़ से। बालक कहता है मुस्कुराकर हसी ने, ठीक है सारू छे, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, सिंहण नो मने एवो ज डर छे। मुँह चीटाता है अने एम करीने मो मचकोड़े छे। दुष्यंत कहता है आश्चर्य छे। दुष्यंत आश्चर्य थी कहे छे, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। आ बालक जरूर कोई तेजस्वी वीरनो पुत्र छे। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है, आनु मोढ़ू अग्निना समान चमकी रह्यू छे। पहली तपस्विनी कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे। पहली तपस्विनी कहे छे, हे प्यारा बालक, सिंहना बच्चा ने छोड़ी दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी, हूँ तने रमकड़ू आपीस। बालक कहता है, हाथ पसार कर। बालक कहे छे, हाथ फैलावीने, पहले खिलौना दे दो। लाओ कहाँ है? पहला रमकड़ू आपी दो। लाओ क्या छे? दुष्यंत कहता है, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से। दुष्यंत कहे छे, दूर थी बाळकनी हथेळी ने जोईने स्वगत एटले के पोतानी जातने। आहा इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, आना हाथ में चक्रवर्तियों ना लक्षण छे। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है अने आंगड़ियों पर केवु अद्भुत जाड़ू छे। और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है, अने हथेळीनी शोभा प्रातः कमल एटले के सवारनू कमलनू फूल। तो ए हथेळीनी शोभा सवारना कमलने पण लज्जित करी रही छे। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। बीजी तपस्विनी कहे छे, हे सखी सुव्रता, आ बातों थी नहीं माने, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। जा मारा झूपड़ा में ऋषि कुमार ने रमवा माटे माटीनो मोर राखेलो छे, एने लई आव। पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी लिए आती हूँ, जाती है। पहली तपस्विनी कहे छे, हूँ अत्यारे ज लईने आऊँ छू, एम करीने ए त्यां झूपड़ी में जाए छे। बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। अने बाळक एटलो नीडर छे तो ए एवुं कहे छे के त्यां सुधी ज्यां सुधी पेली तपस्विनी मोर लईने आवे त्यां सुधी हूँ आ सिंहना बच्चानी साथे ज रमीश। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हसता है, आव कहीने तपस्विनीनी सामे जोईने हसे छे। दुष्यंत आप ही आप। दुष्यंत कहे छे पोतानी जातने, इस सुंदर बालक के खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है।
आ सुंदर बाळकनी साथे रमवा मारू मन केवू ललचाय छे। आह बरकर, धन्य है वे मनुष्य, धन्य छे ते मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। निसासो नाखीने धन्य छे ते माणसो जे पोताना पुत्रों ने खोड़ामां लईने एना शरीरनी अंग एटले के शरीरनी धूली एटले के धूळथी पोतानो खोड़ो गंदो करे छे अने पुत्रोना मुख कारण वगर ना हास्यथी उगाड़ीने उज्जवल दांतोनी शोभा बतावे छे अने तोतड़ा वचन बोले छे। दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे डीठ तू मेरी बात कान नहीं धरता। बीजी तपस्विनी कहे, केम रे जिद्दी डीट एटले जिद्दी, तू मारी बात सांभळतो नथी, इधर उधर देखकर आम तेम जोवे छे, कोई ऋषिकुमार यहाँ है, कोई ऋषिकुमार अहीं छे। दुष्यंत को देखकर दुष्यंत ने जोईने, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। हे महात्मा तमेज आओ अने दया करीने आ बलि बालकना हाथ में थी आ सिंहना बच्चा ने छोड़ाओ। दुष्यंत कहता है, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंस कर। दुष्यंत कहे, सारू, बालकनी पासे जई अने हसी ने, हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। हे ऋषि कुमार ते तपोवन ना विरुद्ध आ आचरण यानी व्यवहार आओ व्यवहार केम सीखियो छे जेना थी तारा कुड़नी लाज जाए छे। यह तो कोई अच्छी बात नहीं, आ तो कई सारी बात नथी। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया अने पेला बाड़के सिंहना बाड़क ने छोड़ी दीधो। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है। बीजी तपस्विनी कहे, हे भाग्यशाड़ी बड़भागी एटले के भाग्यशाड़ी, हे भाग्यशाड़ी आ ऋषि कुमार नथी। दुष्यंत कहता है, सत्य है। दुष्यंत कहे छे, साचू छे, उसके काम ही ऐसे साहस के है, एना काम ज एवा साहसना छे। यह ऋषिकुमार नहीं जान पड़ता, आ ऋषिकुमार मालूम पड़तो नथी, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था, परंतु मैं एने आ तपोवन में रहते जोई अने ऋषिकुमार मान्यो हतो। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से बाळकनी हथेली ने पोताने हाथ में लईने पोते पोतानी जातने कहे छे, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। जारे एनो हाथ पकड़ीने मने आटलू सुख मळे छे तो ए जे भाग्यशाळीनो पुत्र हसे ते केटलो हर्ष अनुभवतो हसे। दूसरी तपस्विनी कहती है, दोनों की ओर देखकर दूसरी बीजी तपस्विनी बनने नी सामे जोईने कहे छे, बड़े अचंभे की बात है, बहुज आश्चर्यनी बात छे। दुष्यंत कहता है, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। दुष्यंत कहे छे, तने केम आश्चर्य थयु। दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना इसने तुम्हारी बात मान ली। बीजी तपस्विनी कहे छे, एटला माटे थयु के आ बाळकनी अने तमारी सूरत एटले के तमारू मोढ़ू बहुज मळतू आवे छे अने तमने ओळख्या वगर एने तमारी बात मानी लीधी। विद्यार्थी मित्रों, हवे आ पाठ
આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું. હવે આગળનો પાઠ આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું. જય સ્વામિનારાયણ.